अब उनको बहुत जोर कोरोना आ रहा है, आधा मशीन अब ब्लॉक डेली नहीं जा पाएगा। किस किस को खाना है ब्रेड पिज्जा हमारे घर में आ सकते। ऋषि बी केयरफुल। सो रही थी, अभी उठी है। बेचारी बहुत काम किया, थक गई है एकदम। जानू अब ये ब्लॉग में जाएगा, बताइए। आपने ऐसा क्या किया आज, इतना थकी थक क्यों लग रहे हैं? अभी लाइट पैक की है, उसको रिटर्न करना है। अभी स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं, नींद आ गया। नहीं अब नहीं सोए, पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए आलू को बॉईल करके रख लिए हैं, और अब हमारे घर में आज बनने वाला है आलू पराठा। इस साल में पहली बार बनने वाला आलू पराठा 2022 में। इतने दिन से मसाला कुछ भी नहीं बनाया है, गरम मसाला मेरा खत्म है, जीरा पाउडर खत्म है, धनिया पाउडर थोड़ा सा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये गरम मसाला का सारा सामान है हमारा, जिसे हम गरम मसाला बनाते हैं। तो हम तो नॉर्मली घर में ही गरम मसाला बनाते हैं, क्योंकि मार्केट वाला उतना पसंद होता नहीं हमें गरम मसाला, टाइम ही नहीं मिला। अब आ गया, अब रेगुलर स्कूल भी ओपन होने वाला है, अब छुट्टी खत्म तो रेगुलर टाइम में आ गए, अब सब कुछ बनाने का टाइम मिलेगा हमें। चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं पहले। मसाला हमारा यहाँ पे पूरा ठंडा हो चुका है, अब जाएगा। ये देखिए ये हमारा गरम मसाला पिसा चुका है, और ये जो देख रहे हैं ना छिलका, इसको छान देते हैं छन्नी लेके। हमारा गरम मसाला तैयार है, होममेड। अब उनको बहुत जोर कोरोना आ रहा है, आधा मशीन में आटा पड़ा हुआ और मशीन खराब हो गया, चल नहीं रहा है मशीन। अब हम क्या करें बताइए, ना तो ऐसे चल रहा है, एक मुसीबत खत्म नहीं होता है कि दूसरा मुसीबत आ जाता है। बोले तो खरीद लेने, इसको हम बहुत दिन से चला रहे हैं, इसका अंजर पंजर सब ढीला हो गया। अभी देख रहे हैं ना, तो इधर का है ना तो उधर है, पूरा स्लिप कर गया। मतलब एक एक मिक्सी खराब था, तो मिक्सी इंडिया से मंगवाया, अब आटा मेकर खराब हो गया। दोनों जोड़ीदार है, साथ में ही चलते हैं। वो जो है पहले इसको देखिए ना, के ऑर्डर ही दे देते हैं ये। देखिए ऑर्डर दे रहे हैं इन्हें की, देखिए हुआ क्या। ये देख रहे हैं इसका लॉक इधर, ये वाला लॉक इधर, ये वाला तो ज्वाइंट करके चला रहे थे, अब ये स्लिप हो गया, चल ही नहीं रहे। ऑर्डर दिए थे 2014 में। और नाम क्या है? आटा मेकर लिखिए। 14 में हम लोग एक दिए थे, 11 में ऑर्डर, जो गलती से ये वाला मेरा ऊपर वाला पार्ट फूट गया था, उसके बाद 14 में दिए, अभी तक चल रहा है। इसमें वही है, अगर ये आपका टूट गया ना, लॉक नहीं लगेगा तो फिर नहीं चलेगा। इस दिल को तेरी याद। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, और कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज बहुत दिन के बाद बाहर का मौसम नॉर्मल हुआ है, 15 डिग्री है अभी, और देख रहे हैं ठंड नहीं है,
मौसम ऐसा है, धूप नहीं निकला है लेकिन 15 डिग्री आज का टेम्परेचर है, तो अच्छा लग रहा है फाइनली कि 15 डिग्री में ना एटलीस्ट बाहर तो आ सकते हैं। और बाहर गार्डन वगैरह देखिए कैसा हो गया, एकदम पेड़ पौधा सब सूख चुका है एकदम। और न्यू ईयर के दिन थोड़ा सा ठंड था, उस दिन ठंड था लेकिन आज बिल्कुल ठंड नहीं है, देख रहे हैं हवा है फिर भी ठंड नहीं है। और हवा जो है ना समर में जो हवा होता है ना एकदम मस्त फ्रेश फ्रेश वैसा हवा आ रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाना था कि बाहर का ना टेम्परेचर अभी नॉर्मल हो गया है। जनवरी में जनरली क्या होता है ना बर्फ का और बहुत ठंड रहता है लेकिन अभी ठंड नहीं है आज। ये देखिए हवा कितना तेज चल रहा है, देख रहे हैं वाह। ओए अपना डब्बा गिर रहा है, आ जाओ आ जाओ भाई लोग। ये रहा हमारा ब्रेड पिज्जा बनके तैयार है, प्लेट लाइए रिसेत। ये देखिए गर्मा गर्म ब्रेड पिज्जा बनके तैयार है, किस किस को खाना है ब्रेड पिज्जा हमारे घर में आ सकते। रिसेत बी केयरफुल, गर्म गर्म है, एक और है ये। ये रिसेत का हो गया, क्या जाजी यो जाजी कमिंग। तो चलिए ये देखिए मस्त बना है, अगर आपको भी जल्दी कुछ बनाना है और खाने का मन नहीं है तो ये ब्रेड पिज्जा बना के खा सकते हैं। हमको बहुत टेस्टी लगता है बिकॉज इसमें मिर्ची भर भर के डाले मिर्ची है और मेरे पसंद का ओनियन टोमेटो, और अगर शिमला मिर्च नहीं था नहीं तो शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, टमाटर ये सब डाल के बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे स्टूडियो बनाने वाले हैं ये वाला एरिया में, तो ये वाला एरिया हम पूरा खाली करने वाले हैं, अभी पूरा साफ सफाई हमारा चलेगा क्योंकि और कोई जगह मिल नहीं रहा है, पूरा हमारा केलर भरा हुआ है। इसको भी देखना होगा कि ये सब जाएगा कहाँ, रखाएगा कहाँ। लाइट दो था वो दोनों लाइट आ गया, स्टैंड आ गया और पर्दा अभी तक नहीं आया पीछे का बैकग्राउंड। उस दिन लाए थे रिंग लाइट, एक वो है ऊपर में, उसके बाद ये देखिए ये लेके आए थे ये, लेकिन इसमें ना जैसा रोशनी हमको चाहिए वैसा रोशनी दिया नहीं और इसका भी अच्छा खासा कॉस्ट पड़ गया, 60 यूरो पड़ गया, लेकिन अच्छा खासा लाइट जैसा हमें चाहिए वैसा लाइट दे नहीं रहा है। इसको रिटर्न करेंगे, बाबा मेरा 60 यूरो पता पड़ा है, इसको रिटर्न करना है। पैक कर दिए हैं, चेक कर लिए फिर पैक कर दिए हैं। उसके बिना ना हम लोगों ने देखी ये वाला लाइट लिए, ये किए हैं और इसका अभी हम लोग खोल रहे हैं, दूसरा अभी तक खुला नहीं, ये वाला इंस्टॉल करना है हम लोग को। ये लाइट देखिए ये कितना एक ही इतना अच्छा रोशनी दे रहा है और ये दोनों मिलके भी रोशनी नहीं देता, ऊपर से आंख भी दिख नहीं पाता आंख ऐसे। तो ये खोलना है और ये पूरा जगह बनाना है खाली करके, वो दिखाएंगे और हम लोग को शेयर भी करना है। छुट्टी खत्म हो गया बाबा, हमारा छुट्टी खत्म, इनका छुट्टी खत्म, ऋषित का छुट्टी खत्म, अब नॉर्मल लाइफ चलेगा, मतलब स्कूल ऑफिस मेरा भागा दौड़ी, अब ब्लॉग डेली नहीं जा पाएगा हमको तो हंसी एक मतलब जब से बीमार से ठीक हुए लगातार कंटिन्यूस हम लोग ब्लॉग डालते हैं क्योंकि हम लोग का छुट्टी था और हम लोग चाह रहे थे कि समय का जो है ना यूटिलाइज कर रहे थे, कहीं जाना आना था नहीं, लेकिन अब हमारा ब्लॉग फिर से वही अल्टरनेट डे पे अपलोड होगा क्योंकि ये हमारा लास्ट ब्लॉग जा रहा है, उसके बाद अल्टरनेट डे पे हमारा ब्लॉग जाएगा। डेली अपलोड कर रहे थे वीडियो और आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, ऐसे ही बनाए रखिएगा प्यार और सपोर्ट। तो चलिए इस एरिए को पूरा खाली करते हैं और अभी हमारा केलर का हालत देख सकते हैं, ये दोनों से चलो पैकेट आया है वो है, क्रिसमस का जो डेकोरेशन बाहर का खोले वो भी रखा हुआ है और ये वाला सोफा ऊपर से यहाँ ला के रखा हुआ क्योंकि वहाँ पे इसके जगह पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। वहां से यहाँ बैठ चुके हैं अच्छे से, इस बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, स्टैंड लाइट हम लोगों ने लिया है ना, इस लाइट के साथ ना देखिए एक छाता भी दिया है, हाँ। लाइट आपको कम करना हो ना ठीक है, चेहरे पे बहुत ज्यादा फोकस आता है उसके लिए। स्टैंड आप देख सकते हैं लगा दिए हैं, दो तरह का आपको लाइट है, तो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट को कम करके आपको येलो लाइट दिखाते हैं और सबसे अच्छा रहता है ना कि येलो लाइट और व्हाइट लाइट दोनों का मिक्स, बहुत रोशनी हो गया। हाँ और इसमें जो है इसको जो है फैला भी सकते हैं हम लोग, एकदम इसको कम करके भी देखिए रखे हुए हैं कि जितना कम जगह लेना
इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ये वाले नाप से। हाँ ये देखिए, हाइट करने के लिए ना तीन तरह का एडजस्टमेंट यहाँ पे सिस्टम आपके पास है। बहुत ऊंचा ये हाइट जा सकते हैं। हाँ, तो एक देखिए वो है और एक ये है, तो दोनों साइड से बराबर रोशनी पड़ेगा। मस्त पैकिंग है, पैक करके सामान ले जाओ। हम लोग जो है ना सारा जो वॉलपेपर का स्टैंड है प्ले स्टैंड लगाते हैं, ये सारा सामान निकल चुका है, हम लोग इंस्टॉल करके अब आपको दिखाएंगे। घर में तो सिर्फ स्टैंड ही स्टैंड हो गया, देख रहे हैं इतना इतना जगह छिप रहा है। ये भी तो ऐसा ही है। अच्छा ये वाला है ना, हाँ इसका एक पीस है हमारे पास पहले से, एग्जैक्टली वही लग रहा है ना। हाँ वही है एग्जैक्टली, ये देखिए ऊपर जाएगा अलग है। जोड़ते हैं फिर दिखाते हैं, है ना। कैमरा ऑन हो जा। देखिए लड़की जो है ना इसका बैकग्राउंड अब बन चुका है, देख रहे होंगे स्टैंड स्टैंड बैकग्राउंड आएगा। स्टैंड हम लोगों ने लगाया है, अब इसका जो है ना बैकग्राउंड बस आने का वेट कर रहे हैं, ताकि स्मिता मैडम का ये जो है अपना स्टूडियो बन गया है। लाइट देखिए यहाँ पे दो लाइट, वन और टू, लाइट भी लग चुका है, स्टैंड भी लग चुका है। मेरा पूरा तेल कबार हो चुका है। बस कमी है जाने अब आपका वीडियो बनाने का, ठीक है। आपके स्टैंड का पूरा एक ना दिखा देते हैं। हाँ ये देखिए लाइट्स कैमरा बैकग्राउंड ही है, वो कैंसिल कर दिए फिर दिए हैं ऑर्डर, तो अब टाइम लगेगा।